आप सबका गोपालाजू का नमन। देखिए, माँ पीताम्बरा का बगला मुखी के भारतवर्ष में पांच स्थान प्रसिद्ध हैं, जिसमें कि तीन मध्य प्रदेश में हैं, एक हिमाचल प्रदेश में है और एक उत्तराखंड में। तो ये पांच स्थान माने गए हैं, मगर इन सब में जो जो महत्तम माना गया है, दतिया का जो पीताम्बरा पीठ है, दतिया का जो बगला मुखी माँ का मंदिर है, ये अपने में विचित्र है। ये एक तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या इसका कारण है बता देता हूँ आपको। ये वन खंडेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध था, ये वाला पिंडी थी, शिव की पिंडी थी, बहुत प्राचीन समय की बात है ये। और फिर कालांतर में इसको स्वामी जी द्वारा फिर यहाँ जो स्थापना करी गई माँ पीताम्बरा की और माँ धूमावती की, इससे इस स्थान की गरिमा, इस स्थान की जो प्रतिभा थी, इस स्थान की जो दिव्यता थी, वो और बढ़ती चली गई। तो ये 10 महाविद्याओं में जो आठवीं अष्टम महाविद्या जो है आपकी बगला मुखी माँ की, ये स्थान तो जो जिन लोगों को दरकार होती है, जिन लोगों की कामना होती है राजनीति में जाने की, जिनको शत्रुवत व्यवहार है या जिनको वाक सिद्धि करनी है, वाद विवाद में कहीं फंसे हुए हैं या वाक पटुता चाहते हैं, वाद विवाद में दक्ष होना चाहते हैं, विशेष रूप से जो कोर्ट कचहरी केसेस हैं या लंबित केसेस हैं जहाँ अवरुद्ध हो रही हैं चीज़ें, लग रहा है कि कोई चीज़ मेटलाइज होने वाली है और आपके फेवर में मेटलाइज नहीं होती, तो उस स्थान के लिए। और फिर बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी मान्यताएं। देखिए, यहाँ तक कहा गया है जो सब चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, वो कहते हैं कि यहाँ पूजा करने आते हैं इसमें वन खंडेश्वर महादेव के मंदिर में। ये साक्षात, ये प्राचीन बातें नहीं हैं, ये किंवदंतियाँ नहीं हैं, ये उन लोगों के बयान हैं जिन्होंने साक्षात दर्शन किए। तो ये इतनी दिव्यता, अब समझ सकते हैं कि इस स्थान की इसकी गरिमा। और इसका जो पूजा का विधान है, ये मैंने एक अलग से वीडियो दिया हुआ है। हमें पहले ये भ्रम था कि कोई भी यहाँ जाके पैसे दे और अनुष्ठान करवा दे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। उसके बंधन है बहुत सारे, उसके नियम है बहुत सारे। अच्छा लगा, ये इसलिए अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ पे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। जो यहाँ साधना करते हैं अपने खुद वही, और ये तो प्रसिद्ध है यहाँ के लिए कि बहुत बड़े बड़े तांत्रिक, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो मांत्रिक, जिन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की और चमत्कार हुए, और वो चमत्कार जो दर्ज हैं, जो यहाँ के लोकल लोगों से पूछे जा सकते हैं, जो इंटरनेट में सर्च करेंगे आप। सबसे बड़ी जो जय विजय का जो कारण था 1962 जो चाइना वार हुई थी, उसमें पूरे रूप से श्रेय है माँ पीताम्बरा के इस मंदिर को, जहाँ पे विशेष रूप से अनुष्ठान किया गया। इतनी महानता। तो पिंडी का जो ये रूप, जो अब माँ का प्रेजेंट रूप जो चला आ रहा है ये वाला, इसमें देखिए, मैं कुछ अंतःप्रेरणा से जो मैं गया, मुझे जो विचित्रता लगी, मैं अपना जो बयान करता हूँ, हो सकता है मेरी बात से कोई सहमत नहीं हो। देखते रहिए आप गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक यूनिक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जब मिलेगी, जब आप अनुभूत करेंगे वहाँ पे, जब प्रैक्टिकली, जब फिजिकली वहाँ पे जाएंगे और आप अनुभव करेंगे इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, उसमें कितनी सत्यता है। ऐसे ही घूम रहा था मैं वहाँ पे प्रांगण में, मैं 3 दिन प्रवासी रहा, तो वो अब एक विचित्र सा जैसे होता ना कि एक अंतःप्रेरणा हुई, एक ऐसे मन में कुछ चाट हुआ मन कि कहीं कोने में जाके खड़ा हो जाए। तो अचानक अकस्मात मेरे पैर धीरे धीरे एक कोने में एक वृक्ष लगा हुआ था। मैंने कहा, गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा चलो चलते हैं वहाँ उसकी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर, वहाँ खड़े हो जाते हैं। वहाँ मैं खड़ा हुआ और खड़े होने के साथ मेरी निगाह उस वृक्ष से हटी नहीं, लगातार टकटकी बांध के मैं देखता रहा उसकी विचित्रता को, सोचता रहा कि इसके अंदर क्या ऐसा आकर्षण है, क्यों मुझे ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्यों इसके अंदर एक ऐसा सम्मोहन है जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, और मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ, मुझे लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्या एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का आभास हो रहा था मुझे, कि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि वहाँ से एक पल के लिए भी हटूँ। ये क्यों विचित्रता थी, फिर मैंने मनन किया बाद में, इसको सोचा बहुत देर तक इस पर मनन करता रहा। ये वो चीज़ें हैं जो कोई आपको बताएगा नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो खुद आप अनुभव करेंगे। देखिए, ये विचित्रता थी यहाँ के वृक्ष में, आप ध्यान से देखेंगे अगर इस वृक्ष को, एक यूनिक, एक विचित्र वृक्ष है ये वाला, क्योंकि इसमें तीन बांधे हैं। पीपल में बरगद लगा हुआ है, बरगद में पीपल लगा हुआ है, यानी कि दोनों वी शेप में ज्वाइंटली खड़े हुए हैं, और उसमें सोने पे सुहागा बेल के वृक्ष का बांधा है इसके अंदर। अब देखिए, सब जानते हैं कि जो तीनों वृक्ष हैं,
पीपल के वृक्ष, सब जानते हैं इस पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है, विशेष रूप से विष्णु भगवान का प्रतीक माना गया है पीपल के वृक्ष को। और ये तो देखिए जो जो हमारे सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, सब जानते हैं कि पीपल के वृक्ष के मूल में विष्णु भगवान का, तने में इनका केशव जी का, शाखाओं में इनके नारायण जी का, पत्तों में श्री हरि जी का और फल में सभी देवताओं के साथ अच्युत का इसमें वास है, इसलिए दिव्य बन जाता है। ये दिव्यता और बढ़ जाती है कि बरगद का वृक्ष भी है। देखिए बरगद का वृक्ष जो है ये शिव प्रतीक माना गया है, त्रिमूर्ति का कारक माना गया है, इसलिए माना गया है कि इसके छाल में कहते हैं विष्णु भगवान का वास है, इसके जड़ में कहते हैं ब्रह्मा जी का वास है और इसकी शाखाओं में शिव का वास है। तो ये पीपल और बरगद का ये, और फिर इसमें सोने पे सुहागे पे और सुहागा जो लक्ष्मी स्वरूप जो बेल का वृक्ष, साक्षात शिव का प्रतीक, शिवत्व का प्रतीक। तो ये सारा का सारा स्थान जो फिर पता चला कि पंचवटी बन गई यहाँ पे। इस वृक्ष के नीचे बैठ के अगर साधना करें, साधना तो दूर, ऐसे ही आंख बंद करके बैठ जाइए आप, एक टकटकी लगा के देखते रहिए वृक्ष को, इसकी ध्यान केंद्रित कीजिए, आप देखिए कितनी आत्म संतुष्टि मिलती है आपको। और फिर साधना के लिए, और मैं समझता हूँ कि एक पूर्णता, एक परफेक्शन प्राप्त होने लगेगा, एक दिव्यता का अनुभव आपको होने लगेगा, आप अनुभूत करने लगेंगे कि ये क्या चीज़, क्या विचित्रता है इसके अंदर, ये मेरा मन क्यों आकर्षित हो रहा है इसकी तरफ, ये इसके लिए ये प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो ये दिव्यता, तो जो तीन जो हमारा जो आपका वन खंडेश्वर का ये जुड़ गया, इसमें माँ पीताम्बरा का जुड़ गया, इसमें माँ धूमावती का जुड़ गया, और फिर इसमें इतने सिद्ध पुरुषों का निरंतर जप, निरंतर यहाँ आप देखिए जब भी देखिए हर एक व्यक्ति के जो भी यहाँ साधक आते हैं पीत वर्ण वस्त्र धारण करके माला लेके निरंतर सतत जप पाठ चलता रहता है। तो जहाँ पे अनुष्ठान, जहाँ पे पूजा, जहाँ पे निरंतर निष्काम भाव से जहाँ पे पूजा पाठ होने लगते हैं, वो स्थान अपने में ही दिव्य हो जाता है। और फिर दिव्यता में दिव्यता, ऐसा ऐसा संयोग, तो ये इसका लाभ उठाएं। मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया आपको कि कभी कोई व्यक्ति, कभी कभी कोई अगर कहीं जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि माँ के दर्शन करें, शंकर भगवान के, शिव जी के दर्शन करें, और दर्शन करके अपनी मनोकामना बोली, प्रसाद चढ़ाया, अपने जो भी अपना कर्म करना चाहते हैं करें और चले आए आके। मगर किसी का ध्यान इस वृक्ष की तरफ नहीं जाएगा। अब कभी जाएं, कभी भी जाएं, सौभाग्य से अगर जाना मिले तो वहाँ पे इस वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी साधना, जो भी मंत्र, जो भी ध्यान आप करते हैं, आप देखिए अपना एकाग्रता कितनी बढ़ जाती है, कितनी आत्म संतुष्टि मिलती है आपको। इसको करके देखें दोस्तों, दोस्तों अच्छा लगता है गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को ये, लोगों को मोटिवेट करें कि कम से कम ऐसी चीज़ों को, और फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखिए कि ये जो वृक्ष लगे हुए हैं ये कितना सुख दे रहे हैं हमें, एक मंदिर के प्रांगण में दिव्यता में और दिव्यता कर रहे हैं। अगर ये इस तरीके से सारे जगत में, सारे भारतवर्ष में अगर और स्थान जगह जगह पीपल के वृक्ष के, इसके हमारे बरगद के, हमारे बेल के, हमारे सिरस के, आम के, इस टाइप के अगर पौधे और रोप दिए जाएं तो कितनी, कितना एक दिव्यता का वातावरण बनने लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।